नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करते हैं आपके अपने स्टूडेंट्स लर्निंग चैनल में। तो हम लोग जो है उच्चारण कुरु तक पहुंच चुके थे, कर चुके थे। आज जो हम लोग करने वाले हैं उसका वो संस्कृत निधि के नील श्रृगाल पाठ का अगला अभ्यास है। एक पदेन उत्तरत, एक पद में आपको उत्तर देना है। ठीक, तो श्रृगाल कुत्र वसति स्म, श्रृगाल कुत्र कहाँ वसति स्म, कहाँ रहते थे श्रृगाल, कहाँ रहता था ये श्रृगाल। श्रृगाल एक ठो है यहाँ पे, तभी इसमें आया है। ठीक है, तो श्रृगाल कहाँ रहता था, अरण्य जंगल में। तस् आधिपत्यम के सुकृतवंतः, तस् आधिपत्यम उसके आधिपत्य को के सुकृतवंतः, किन्होंने स्वीकार किया, तो अरण्यवासिनः, कौन अरण्यवासिनः। ठीक है, अरणवासिनों ने स्वीकार किया। सर्वे श्रृगाला सायंकाले किम अकुर्वन, सर्वे श्रृगाल, देखिए श्रृगाला है ये, बहुत सारे श्रृगाल हो गए। श्रृगाला रामः रामे रामो, रामः रामः रामो रामः, तो हो जाता है श्रृगाला श्रृगालो श्रृगालाः, बहुत सारे श्रृगाल। सियार सायंकाले शाम में किम अकुर्वन, क्या किए, तो महारामम, महान रामम यानी कि ऊंची ध्वनि किए। सिंह कम हतवान, सिंह ने किसको मारा, तो श्रृगालम, किसको मारा, श्रृगाल को मारा। अब ये देखिए आपका क्या है कि पूर्ण वाक्यन उत्तरत है, ये कैसा है, पूर्ण वाक्यन, एक वाक्यन उत्तर, एक वाक्य में उत्तर देना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका नीलवर्ण श्रृगाल किम अचिंत्यत, नीलवर्ण का श्रृगाल क्या अचिंत्यत, क्या विचार किया, तो इसका देखिए उत्तर मैंने सामने लिखा है, थोड़ा सा और बड़ा कर लीजिए। क्या विचार किया कि अहम इदानीम उत्तम वर्ण, मैं इस प्रकार उत्तम वर्ण का हो गया हूँ। जब वो नील के भांड में गिरा तो कहता है कि मैं उत्तम वर्ण का हो गया हूँ। तदा अहम, तब तो मैं स्वकीयोत्कर्षम, अपने लाभ को किम न साधयामि, क्या सिद्ध नहीं करूँगा, ये जो मुझे ये मिल गया रंग, तो क्या मैं इसे अपना लाभ सिद्ध न करूँ, ये कहता है वो, कि यह विचार करता है। फिर दूसरा देखिए प्रश्न क्या है कि वृद्ध श्रृगालीन किम प्रतिज्ञातम, वृद्ध श्रृगाल के से, या वृद्ध श्रृगाल से किम प्रतिज्ञातम, वृद्ध श्रृगाल के द्वारा क्या प्रतिज्ञातम, क्या प्रतिज्ञा की गई, तो क्या है उसका उत्तर, इधर आइए, इसका उत्तर है, थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं, यथा अयम व्याघ्रादिभिः परिचितेभ्यः, यथा अहम अयम व्याघ्रादिभिः परिचितो भवेत, तथा उपायं करिष्यामः। यथायम, जिस प्रकार, जैसे, अयम यह व्याघ्रादिभिः, व्याघ्रादिभिः में क्या है कि तृतीय बहुवचन है, यानी कि व्याघ्रों के द्वारा, परिचितो भवेत, परिचित हो, व्याघ्रों के द्वारा ये परिचित हो जाए, तथा तभी उपायम करिष्यामि, वैसा ही उपाय करूँगा, तथा वयम, जैसा यह व्याघ्रों के द्वारा, शेरों के द्वारा, व्याघ्रों के द्वारा परिचित हो जाए, जाना जाए, तो वैसा ही उपाय मैं करूँगा, करिष्यामः, करूँगा। ठीक है, फिर क्या है तीसरा है, नीलवर्ण श्रृगाल किम उक्तवान, नीलवर्ण का जो श्रृगाल था वो क्या उक्तवान, क्या कहा, तो नीलवर्ण श्रृगाल क्या कहा भाई, देखिए ये मैंने तीसरा ही लगाया है ना, कि माम भगवती, मुझे, माम मतलब मुझे, भगवती वन देवता, भगवती वन देवता स्वहस्ते, अपने हस्त के द्वारा अरण्य राज्य, जंगल राज्य में अभिषिक्तवती, अभिषेक की हैं, मुझे जो है वन देवता, भगवती वन देवता ने अपने हाथों से अरण्य राज्य में, जंगल राज्य में अभिषेक की हैं, यानी इसको, इनको लिख दिए हैं, ये इनके राजा हो गए हैं अरण्य राज्य के। ठीक है, अब ये देखिए क्या है, ये चौथा आंसर देखिए आपका, मंजुषात पदानी चित्वा रिक्त स्थानानी पूरियत, मंजुषात से इस बॉक्स से पदों को चित्वा लेकर के रिक्त स्थानों की पूरियत, पूरा करो, ये लोट लकार में है पूरियत। कस्मिंश्चिद अरण्ये एकः, क्या हो जाएगा, श्रृगालः वसति स्म,
सरजक से नीलभांडे पतितः, वह और रजक दो ठोगे नहीं, इस वजह से यहाँ पे लग गया पतितः, नहीं तो होता पतति। ठीक, पतितः वह रजक के धोबी के नीलभांड में गिर गया। भगवती वन देवता स्वहस्तेन अड़न राज्य अभिषिक्तवती। भगवती वन देवता यहाँ पे भराएगा, अपने हाथों से अड़न राज्य में अभिषेक किए हैं। यह स्वभावो ही यस्यास्ति स नित्यं दुरतिक्रमः। यह स्वभाव ही, क्योंकि जो जिसका जैसा स्वभाव है वह नित्य ही दुरतिक्रमः, दूर करना कठिन होता है, उसके स्वभाव को बदलना मुश्किल होता है, जो जिसका स्वभाव है वैसा ही रहेगा। ठीक है, तो ये आपका 4 अभ्यास तक इस वीडियो में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब अगले वीडियो में हम लोग वाक्यानि रचयत और संस्कृत भाषा में अनुवादम करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक आप अपना अभ्यास करिए और इसके जो जो कठिन वर्ड्स थे आप पढ़े होंगे, इसका अभ्यास करके इसके अनुवाद को करते हुए चलिए, अनुवाद करिए और प्रश्न, मतलब एक क्वेश्चन को पढ़िए, प्रश्न को पढ़िए और उसके हिंदी में अनुवाद भी ज़रूर करिए। ठीक है, तब आप जाके इसमें पूर्ण पारंगत होंगे, इस अभ्यास में, इस चैप्टर में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।